पाली दे सहाबी हजरत अबू मूसा शारी रजी अल्लाह तआला ने फरमा देने मैं ख्वाब के अंदर देखिया नबी करीम दे करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे ने मेरे आका उमर फारूक ने आबादा बीमार देने उमर मेरे को आ जा उमर मेरे को आ जा आ फरमा देने मेरी आंख खुली मैनू ख्याल आया लगता उमर दा आखरी बेला आ गया नबी करीम उमर फारूक नु पे बुला देने जवाने इधर हजरत उमर फारूक ने ख्वाब वेख्या कि आपकी नाफ दे नीचे एक मुर्ग ने चुंझ मारी आई आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक दे घर पैगाम भेजे आओ क्योंकि सिद्दीक अकबर दा घराना ख्वाबा दी तबीर दा बड़ा माहिर है आपने पैगाम भेजिया कि मैं ख्वाब देखे आए एक मुर्ग ने मेरी नाफ दे नीचे चुंझ मारी आई हजरत सिद्दीक अकबर दे घरों पैगाम आया लाजपाला जड़ी वसीयत करनी है कर लो लगता है आखरी वेला करीब आ गया है नौजवान हजरत उमर फारूक दा आखरी वेला करीब आया इंशाल्लाह सुनिया दी मस्जिदां ते घरां ते छतां ते गली गली जिक्र हुसैन होना है रल के जिन्हें मेरे नाल जिक्र हुसैन करना भला हाथ खड़ा करे भाई जिन्हें नहीं करना ओ मस्जिद च झूठ ना बोले ते जिन्हें करना हाथ खड़ा करे मजबूरी किसे नु नहीं भाई जेड़ा जिक्र हुसैन करना चाहता है ओ मिलके मेरे नाल पड़े है दर्दियां लाला इश्क दी दुनिया दे वसना नहीं ओदा बेड़ा बेच इश्क दी दुनिया दे वसना नहीं ओदा बेड़ा उमरे फारूक नबी दे दोतरे ना करे प्यार वैसे तो मैं तुम्हें हरम शरीफ च गल्लां सारियां सुनाईयां ने मगर जेड़ा प्यार करे ना नबी दे दोतरे ते नबी दे पुत्रां नाल गल सुनावां सियाल शरीफ दा दूल्हा हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तियां दा इमाम एक महफिल च बैठे ते नमाज दा वक्त हो गया ते उलमा ते पीरां ने इज़ाम बड़े बैठे ते नमाज दा वक्त हो गया ते विच सन इक सैयदादे उलमा का ख्याल से असं बड़े बड़े वड्डे मौलविया से सानू नमाज पढ़ावन वालों फरमावे या आप पढ़ावे जो नमाज का वेला है तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमा लगे शाह जी तुसी नबी पाक दी नसल हो आ लो नमाज तुसी पढ़ाओ उस सैयदज़ादे मुसल्ले ते खलोगे वह आलिम नहीं सन मौलविया ख्याल आया मौलविया बीमारी होंगी ना हसद की उन्होंने ख्याल आया कि वेखो जी असं आलम तो एडे पढ़े लिखे तो असं नहवी तो सरफी आलम इनू आउंदा भी कुछ नहीं ते इनू सैयदादे नू अगे खड़ा कर दिता कुदरती उन्हें नमाज शुरू की थी तो उन्हें कोलों नमाज च गलती हो गई मौलवी एक दूसरे वाल नमाज तो बाद वेखण के ये नमाज तो दोबारा पढ़नी पैनी है ते पीर साहब ने सैयदादे नू अगे खड़ा कर दिता किसी मौलवी नू कर दिंदे पीर साहब समझ गए हुण नमाज दोबारा पढ़नी सी मौलवियों नू ख्याल आवे हुण ते साडे चो किसे नू अगे खड़ा करन गए ना ते हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सैयदजादे नू कह लगे शाह जी तुसा नमाज एडी मजे दी पढ़ाई है दिल कर दे एक बारी फिर पढ़ाओ समझन वाले समझ गए उच्चे नहीं बोले सुभान अल्लाह तुसी एक बारी होर बोलो सुभान अल्लाह आख्या शाह जी तुसी नमाज ही एडे मजे दी पढ़ाई है दिल कर दे एक बारी फिर पढ़ाओ सैयद नू नहीं आख्या तुहाडे कोल गलती हो गई ये नहीं आख्या शाह जी तुहाडे कोल गलती हो गई नहीं आख्या शाह जी मजा ही बड़ा आया दोबारा पढ़ाओ लै चलना आला हजरत दे दरबार उत्ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह आला हजरत ने ताइयां फरमाया तेरी नस्ल पाक में है नहीं भाई हाथ चुके लहरा के सारे सुनी पड़ो तेरी नस्ले
जो तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का हाथी चके सारे सुन्नी मां दे पुत्र पढ़ो तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का और तेरी नसले आँख में है बचा बचा नूर का तू है नूर तेरा सब कराना मैं नहीं तुझे पढ़ना तू चेहरे ते नूर आ ही नहीं सकता जड़ा नबी दियाल नूर न मने तू एने या अल्लाह नु नबी दिया दा नूर नसीब हो जाए जड़ा यूं चपड़े तू एने नूर तेरा सब हजरत उमर फारूक नबी दी नस्ल नाल भी प्यार कर दे हर नबी दी निस्बत नाल प्यार कर दे एक दिन मदीने दी गली दे अंदर जा रहे एक मकान दी छत ओदा परनाला परनाले दे विच खून निकलिया हजरत उमर फारूक दे कपड़े अंदर डुल गया कपड़े आप दे जड़ वेले खून आलूदे हो गए आपने परनाला पकड़िया जोर न खिच के तोड़ दिता नौजवान आप जड़े वेले गुजर गए किसी ने आके हजरत अब्बास नबी दे चाचे ने आखे आ जड़ा तो आटा परनाला है ये हजरत उमरे फारूक ने तोड़े आए नबी पाक दे चाचा जान हजरत अब्बास टुरे टुरे उमरे फारूक को ले आए आपने फरमाया मेरा परनाला क्यों तोड़े आई आपने फरमाया दे जो खून निकलिया किसी ने जानवर ज़बा किया मेरे कपड़े ते खून डुल गया हजरत अब्बास फरमान लगे तेनू पता है वो परनाला नबी पाक ने अपने हत्था नाल लाया सरकार ने अपने हत्था नाल लाया से हजरत उमर कहन लगे अच्छा नबी पाक ने उस वेले हजरत अब्बास दा दामन पकड़िया नबी दे चाचे दा ते आगे परनाले दी जगह ते हां इश्क के रसूल वेखिया जे उमर फारूक साढ़े बाई लख मरबे दा वारिस तीन बर्रे आजमत हुकूमत करने वाला ते मदीने दी गली च ना इस तरह करके अपने घुटने अगे बल नीवे हो ते हजरत अब्बास नु कहन लगे आ मेरी कंड ते आओ अपने हथा ना परनाला लाओ मैं बेअदबी नहीं कर सकता जेड़ा परनाला मेरे माही लाया हुए मैं तोड़ देवा मैनू की पता सी इन्हों हाथ हजूर दे लगे ने गिरामी कदर हजरात फिर हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वो परनाला अपने हथा ना उमरे फारूक दी कंड ते खलो के लगाया ऐसा नबी दी निस्बत ना अदब करन वाला ते इहतराम करन वाला उमर नबी पाक दे चाचा जान हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला ना कदर रस्ते च मिलदे ने ना ते हजरत उमर फारूक सवारी ते बैठे होंदे ने ते नीचे उतर जांदे मैं किताबां च पढ़िया हजरत अब्बास नु सवारी ते बिठा के ते उन्हां दी सवारी दी मुहार पकड़ के घर छोड़ के आंदे जिन्नी देर तक हजरत अब्बास नजर ही आंदे नबी पाक दे चाचा जान उन्नी देर तक हजरत उमर फारूक सवारी ते नहीं बैठदे पैदल चलदे नबी पाक दे चाचे दा भी अदब एक दिन बारिश नहीं हो रही एक बंदा आके नबी पाक दी कब्र अनवर ते आके ते एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह बारिश नहीं हो रही ते बड़ी तंगी है ते को कम करो राती ख्वाब विच नबी पाक आए ते हुजूर ने फरमाया जा मेरे उमर को ते उमर नु कह बारिश दी दुआ करे हजरत उमर फारूक ने फिर बारिश की दुआ किवें की थी लुत्फ की गल सुनो आगे नबी पाक दे चाचा हजरत अब्बास दे घर उन्होंने नाल लिया ते मदीने दे लोगों ने नाल लिया ते मदीने दे बाहर आके ना ते हजूर दे चाचा हजरत अब्बास नु कहन लगे हजूर तुसी बारिश की दुआ करो उन्हें आख्या नहीं उमर तुसी करो ते हाथ चुके कहन लगे या अल्लाह अगे असीं तेरे नबी दे वसीले नाल दुआवां करदे सां ते तू कबूल करदा सां हुण नबी पाक कर गए ने पर्दा हुण असीं लैके आए नबी दा चाचा
जड़े कहंदे ना वसीला किथे लिखया आ मैं दसा हजरत उमर फारूक कहन लगे हुण आया सी नबी दा चाचा लैके ते इना दे वसीले ना सी मंगदे आ बारिश ते या अल्लाह बारिश नाज़िल फरमा छम छम आ गई बारिश हुण इथे लुत्फ दी बात सुनो ते लिखण वाला मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने लिखा हो सकता किसी के ज़हन च ख्याल आवे कि हजरत उमर फारूक ने नबी दे कबर च जान तो बाद नबी दा वसीला नहीं पाया नबी दे चाचे दा वसीला पाया ते लोग कह सकते ने जिंदे दा वसीला हो सकता मुर्दे दा नहीं हो सकता इस वास्ते उमर फारूक ने नबी पाक दा नहीं उन्हां दे चाचे दा वसीला पाया पर मौलवी अशरफ अली थानवी आप ही दा जवाब लिखिया ते मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी लिखते ने असल गल ए नहीं असल गल ए वे कि हजरत उमर फारूक ने नबी पाक दे विसाल दे बाद नबी दे चाचे दा वसीला पाके उम्मत नू दसना सी के याद रखियो सिर्फ नबी दा वसीला काम नहीं करदा नबी दे करीबियां दा वसीला भी काम करदा है ये ओ बोले जिदा सुनिया वाला कीदा है हजरत उमर फारूक ने नबी दे चाचे दा वसीला पाके दसिया के सिर्फ नबी दा वसीला नहीं नबी दे जड़े करीबी ते रिश्तेदार ने जिन्हां नूं कुर्ब मुहम्मद दा मिल जाए रब उन्हां दे वसीले भी पूरे कर देंदा है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो इतना बड़ा शहनशाह मगर आज जी कितनी एक दिन ना ऊंटां नूं मालिश पे कर दे ते ऊंट अपने नहीं जड़े सदके दे ऊंट कट्ठे होए ना उन्हां नूं मालिश पे कर दे किसे अर्ज कीती हुजूर जे मालिश ही करानी है ते किसे गुलाम नूं कहो जवाब पता की दिता सुनो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इरशाद फरमाया सैयदुल कौम खादिमुहुम आपने फरमाया जड़ा कौम दा सरदार होवे ना वो कौम दा खादिम ही होंदा है ये अज दे हुक्मराना नूं हजरत उमर फारूक ने मशवरा दिता है फरमा जड़ा सैयदुल कौम होवे वो खादिमुहुम फरमाया उन्हां दा असल च खादिम होंदा है अपने हुक्मराना अपना सैयद बना लिया सरदार बना लिया ते आप असी उन्होंने महकूम बन गए ते असी उन्होंने खादे बन गए पर हजरत उमर फारूक की कदे सीरत पढ़ के देखो एक दिन उस्माने गनी फरमाते ने मदीने गर्मी बड़ी दोपहर फरमाते के बाहर लोग गलियां चने निकल रहे थे लोग अपने घर च बंद हो गए कि छाऊ में बैठ गए ठंडी जगह पे आ फरमाते ने मैं खिड़की खोली को ठंडी हवा आवे ते मैं वेख्या दूर धुप के अंदर गर्मी के अंदर कोई ऊंट प्याचार दे हजरत उस्माने गनी फरमाते ने मैनू ख्याल आया लोग ते गर्मी की दोपहर च बाहरों घर आ गए ने ये कौन जरा इतनी गर्मी च ऊंट प्याचार दे आ फरमाते ने मैनू ख्याल आया मैं अज चेक करा है कौन इतनी लू पे चलती आप फरमाते ने जो बंदा करीब आया तो मैं वेख्या तीन बर्रे आजमा का शहनशाह हजरत उमर फारूक करीब आए थे खिड़की चो बोल के उस्माने गनी कहन लगे लाजपाल क्यों अपनी जान ते इतना जुल्म कर दे हो हजूर क्यों इंज कर दे हो इतनी गर्मी च बाहर निकलन दा को मौसम है हजूर क्यों गए आपने फरमाया ए ऊंट असल च गवाच गया सी ते बैतुल माल दा ऊंट सी गरीबां दा ऊंट सी आपने फरमा मैंने क्यामत नहीं दी पूछ होनी सी ना ते मैं नू ढूंढन वास्ते गया सा गबाच गया ते ऊंट ढूंढन वास्ते गया सा गिरामी कदर हजरात इतनी आज दी हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो दी जाते पाक दे अंदर हैन कुश्ती करने वाले बड़े पहलवान ते जरी सन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो जेड़े ते रोब बड़ा दबदबा बड़ा ते आप नू किसी ने आख्या हजूर लोग तुहाडे कोल आउंदे ने कम पर तुहाडे रोब दी वजह तों कुछ नहीं कहंदे ते वापस चले जांदे ने हजूर थोड़ा जना अपना गुस्सा घटाओ लोग अपनी अर्ज भी नहीं तो पेश कर सकते रोब दी वजह तो ते आपने रो के इरशाद फरमाया फरमा वेखो अल्लाह ने लोगों का रहम मेरे दिलों च पा दिता है ते मेरा रोब लोगों के दिलों से पा दिता है फरमाते ने मैं एडा नरम अंदरों अल्लाह ने उन्हां दा रहम मेरे दिल च पा दिता पर मेरा रोब लोगों के दिलों से पा दिता है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो वह शख्सियत एक ना मैं थोड़ा जर्द कर माई आई मेरे नबी की बारगाह मैं रात भी फैसलाबाद वाकया सुनाया चूंकि उनवान के मुताबिक भी मर्द कर देवा माई आई ये माई ते बाबे की घर ना लड़ाई हो गई मियाँ बीवी की तो खामद ने अपनी बीवी ने कह दिता कि तू तो मेरी माँ की तरह दौरे जाहलीयत दे अंदर जे किसी को मां या बहन कह दिंदा सी ना अपनी बीवी नु ते उनु तलाक समझया जांदा सी इस्लाम दे नु जुहार किया जांदा है आख्या जा तू ते मेरी मां वर्गी है
जब दोनों का गुस्सा ठंडा होया तो ख्याल आया कि छोटे छोटे बच्चे ने ते असी हो गया वडेरे, ना मियां दा बीवी दे बगैर गुजारा है ना बीवी दा मियां बगैर गुजारा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की खिदमत करके दिन गुजार देने ते बच्चे भी रुल जाने ने तलाक हो गई। खावंद ने बीवी नु आख्या जा नबी पाक को मसला पूछ के आ। माई आई नबी पाक दी बारगाह च माशा सिद्दीका दा हुजरा ते माई कहन लगी या रसूल अल्लाह आ वेखो ना बुड्ढे बारे की कीता सु, मैनू कहंदा तू मेरी मां वर्गी है यार रसूल अल्लाह, बच्चे रुल जाने जे तलाक हो गई यार रसूल अल्लाह, एडा वडेरा हो गया कौन ओदी खिदमत करेगा यार रसूल अल्लाह, ओदा मेरे बगैर गुजारा नहीं ते मेरा भी ओदे बगैर गुजारा नहीं, मैनू कौन खिलावेगा ते यार रसूल अल्लाह बुड्ढे बारे तलाक दे दीती। माई बोली जा रही बोली जा रही, मेरे नबी चुप, क्यों? अज इस्लाम दे अंदर कोई हुक्म नहीं सी आया, मसला नहीं सी, अल्लाह ने दसिया कि जेड़ा मां या बहन अपनी बीवी नु कह दे वे तलाक होई या नहीं। नबी पाक इस इंतजार च सन कि अल्लाह को वही नाजल कर देवे। माई समझी के नबी पाक को जवाब नहीं दे रहे, माई थोड़ी गुस्से च आ गई ते आखे बोलो ना हुण मैं किथे जावां बुड्ढे बारे यार रसूल अल्लाह कुछ दसो ना। मेरे नबी चुप, माई होर गुस्से च, माई आखे यार रसूल अल्लाह हुण मैं किथे जावां, बच्चे लैके किथे जावां, मैं वडेरी हो गई यार रसूल अल्लाह भी वडेरा हो गया ना उहदा कोई ख्याल रखण वाला ते की बनेगा। माई गल्लां करी जा रही, मेरे नबी चुप, माई गुस्से नाल ही ना बोलदी बोलदी टुर पई। माशा सिद्दीका फरमा दिया माई दरा ठहरी, ओ ओ ओ वेख नबी पाक दे चेहरे तू पे लगदा है कि जिवें नबी पाक ते वही नाजल हो रही है। उस वेले जिब्रील कुरान दी आयत लेके आ गए, कद समी अल्लाहु कौल लती, अल्लाह ने कुरान मजीद च फरमाया कमली वालिया मैं इस माई दियां पिया सुनना, अल्लाह इस माई दी पिया सुनदा है। अल्लाह ने फरमाया तलाक नहीं हुई, जिहड़ियां मावां मैं बनाईयां मावां ओही रहणियां ने, जड़िया बहना मैं बनाइया बहना उ रहनिया, तो हाडे कहना को मां ते बहन ते नहीं ना बीवी बन जानी। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं तलाक नहीं हुई, माई चली गई। नौजवानों हजरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया तो पर्दा फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया उन्हें भी पर्दा कर लिया, हजरत उमर फारूक का दौर आ गया। एक दिन हजरत उमर फारूक मदीना तैयबा दी गली च जा रहे, आप दे नाल बड़े बड़े वजीर ने बड़े बड़े मुशीर ने बड़े बड़े मुल्कां दे अफराद बड़े बड़े सफीर आए ने बड़े बड़े मुल्कां दे बादशाह मुलाकात ली आए। हजरत उमर फारूक झुरमट दे अंदर मदीना दी गली च जा रहे, ए माई बड़ी वडेरी हो गई, लाठी टेक दी मदीना दी गली दे अंदर आ गई। अचानक माई दी निगाह उमर फारूक दे चेहरे ते पई, उस माई ने उमर फारूक नु मदीना दी गली च रोक लिया ते रो के कहन लगी, वे तू ओ ही है जिन लोग उमर उमर कहते सन। आपने परमा जी मां जी मैं ओई हां, मां कहन लगी फिर तेन लोग उमर कहन लगे पे, परमा जी माई जी मैं ओई हां, कहन लगी हुन तेन लोग अमीरुल मोमिनीन कहते ने, परमा जी माई जी मैं ओई हां, ते माई कहन लगी जे अमीरुल मोमिनीन बन गई है जरा गरीबां दा भी ख्याल रखना ही, देखी किधरे गरीब दी हा ना लग जावे, कयामत नु अल्लाह दी बार गज पेशे होना ही ते गरीबां दा ख्याल रखना ही। हजरत उमर हाथ बन के माई दियां गल्लां सुनी जा रहे, माई बड़ी देर डांट दी रही, जेड़े वेले माई अपनी मर्जी नाल टुर पई, लोगां ने आख्या उमरे फारूक तेरी हैबत जमाना पिया डरदा है, इस माई ने तेनू मदीने दी गली च खलार के डांट दिता है, एदियां नियां क्यों सुन दे रहे हो? उमरे फारूक ने फरमाया लोगो मैं एदियां क्यों ना सुना, एदियां सात आसमान ते उत्ते सुनिया जांदियां, जिदियां सात आसमान ते सुनिया सुभान अल्लाह। फरमाया दियां मैं ना सुना, दियां रब सुनदा, दियां रसूल सुनदा, सात आसमान तो उत्ते दे वास्ते पैगाम आंदे, कद समी अल्लाह, अल्लाह इहदियां सुनदा ते मैं ना सुना। आपने फरमाया ने ते दो चार घड़ियां खिला रहे ना, फरमाया कदे ए माई, कदे ए माई मैनू सुबह तो लैके शाम तक खिला रहे, मैं सिर्फ माई को नमाज की छुट्टी लैके जावा
تے باقی میں دیئے کھلو کے سونا نوجوانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ رہے ایک سفر تو واپس جنگل چو گزر ہویا توجہ ہے جنگل چو گزر ہویا ویکھے ککھان دی کلی اندر چلے گئے ویکھے مائی بڑیری جی بیٹھی قریب پہ گئے پوچھتے ہیں مائی جی کی آلے مائی آکھا ٹھیک ہے گلہ گلہ کر دے مائی نو کہندے نے اے آج کل حکمران کون ہے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے اکھے اما جی اے جنگل چاہ کے تسی ڈیرے لائے نے تے کوئی توانو تنخواہ شاہ کو پیسے کو مہانہ کو وظیفہ مل دے حکومت والو مائی کہنے لگی سانو کون پوچھ دا غریب وانو میں نو تے کدے کسے پوچھا ہی نہیں حضرت عمر فاروق فرمان لگے مائی جی تسی بھی تے کو دیان کرو نا جنگل چکر لے آکے ڈیرہ لالے آجے او تے کسے پنٹ بیچے کسے شہر چربو تاکہ حکومت نو توڑا پتا ہوئے کہ تسی بھی ہے ہو تو انو کوئی وظیفہ مہانہ ملے تے عمر نو کی پتا ہوئے کہ تسی اتھے رہن دے ہو آجیڑا مائی نے جملہ بولے نا میری پوری تقریب دنے چھوڑے تے آج کل جو پاکستان دے حالات بنے نا انہا حالات دی صحیح غمازی اس مائی دے جملے کی تھی حضرت عمر فاروق نے مائی نو آکھیا مائی جی ایتی دور مدینہ عمر نو توڑا کی پتا ہوئے تسی جنگل چا بیٹھے ہو تے مائی حضرت عمر فاروق نو کہن لگی جے پتہ ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بنے نے بولے ہی نہیں سبحان اللہ جے غریباں دا خیال ہی نہیں رکھنا جے غریباں دا پتہ ہی نہیں رکھنا تے پھر حکمران کیوں بنے نے حضرت عمر فاروق رون لگ پے تے فرما لگے عمر تیرے نالو تے مائیاں سیانیاں نے تیرے نالو تے مائیاں بہتیاں سیانیاں مائی نو کہن لگے مائی جی ایک قیامت نو عمر دی شکایت نہیں لاؤ گے اللہ نو مائی کہن لگی کیوں نہیں لانی میں لانی لانی ہے آپ فرما لگے پھر انج کرو مائی جی عمر میرا یار ہے تے میں تو آڈی گل بات عمر نہ کرا دیا دسو کنے پیسے لے کے دیا تے عمر دی قیامت نو شکایت نہ لائیو مائی کہن لگی جے بارگیننگ ہی کرنی ہے جے سودے بازی کرنی ہے تے پھر انج کرو عمر نو کو منو این ہزار درہم دے دے تے میں قیامت نو دی شکایت نہیں لاندی حضرت عمر فاروق نے اسے ویلے درہم تے دینار دی تھیلی کڈی مائی دی تلی تے رکھی تے رو کے فرمان لگے میرا ہی نہ عمر ہے تے قیامت نو اماں میری شکایت نہ لا دے میری شکایت نہ لا دے تے اس ویلے آپ نے خیمے چو مائی دے چو نکل کے فرمایا جی دریائے نیل دے کنارے تے کو کتا بھی پیاسا مر گیا عمر نو پوچھ ہو جاوے گی عمر نو پوچھ ہو جائے گی ایسے دور حکمرانی حضرت عمر فاروق دا کہ زکاة دے پیسے تلی تے لے کے پھر دینے تے مدینہ چھ کوئی زکاة تو لین والا نظر نہیں آن دا ایسا عمر فاروق نے نظام پیدا کیتا کہ مدینہ چھ زکاة لین والے کوئی نہیں لوگ اتنے امیر نے کہ زکاة دین والے سارے نے لین والا کوئی نہیں او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دی نوجوانو یک محرم الحرام نو شہادت دا دینے جدو آیا نا شہادت دا ویلا قولین دے والی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں خواب دے اندر ویکھیا نبی کریم دے قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے میرے آقا عمر فاروق نو آبادہ پہ مار دینے عمر میرے کو لے آجا عمر میرے کو لے آجا آپ فرما دینے میری آقا کلی میں نو خیال آیا لگ دا عمر دایا اخری پہ لائے آگیا نبی کریم عمر فاروق نو پہ بولا دینے نوجوانے در حضرت عمر فاروق نے خواب بکھے آؤ کہ آپ نے ناف دے نیچے کمرگ نے چنچ ماری آئی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر پہ گاؤں بیجے آؤ کیونکہ صدیق اکبر دا گرانا خواب دی تبیر دا بڑا ماہر ہے آپ نے پیغام بھیجیا کہ میں خواب دیکھے آئے ایک مرگ نے میری ناف دے نیچے چنچ ماری آئے حضرت صدیق اکبر دے گھروں پیغام آیا لاج پالا جیڑی وصیت کرنی ہے کر لو لگ دیا آخری بیلا قریب آگیا ہے نو جمانو حضرت عمر فاروق دیا آخری بیلا قریب آیا ہے ساری زندگی دعا ماں کر دے رہے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیل کا نلے فرما دینا باجو علموتی فی بلد رسول عرض
करते सन या अल्लाह मैनू शहादत दी मौत भी देवी नाले मौत मुहम्मद मदीना तैयबा च देवी। एक दिन बेटी हजरत हफ्सा ने अर्ज की अबू जी नाले शहादत मंगते हो नाले मदीने दी मौत मंगते हो शहादत किधरे मैदान जिहाद विच आनी है नाले शहादत भी मंगते हो नाले मदीने दी मौत भी मंगते हो ये दो चीजा कट्ठिया किवें होणगियां। आपने फरमाया जेड़े रब ने मैनू मक्के तो मदीने पहुंचा दिता है और मेरे दोवें काम भी कर देवेगा। नौजवान एक दिन मदीना तैयबा दी गली च गुजरे अबू अल्लू फिरोज ए मजूसी अग दी पूजा करने वाला गुलाम नौजवान मदीने च चक्कियां बना के भेज दे। आके कहन लगा उमरे फारूक मेरा फैसला करे आज। फरमा की फैसला? कहन लगा मेरा मालक मेरे को बड़े पैसे लेंदा है। फरमा किन्ने पैसे लेंदा है? कहन लगा दो तीरम रोजाना लेंदा है। फरमा तू बड़ा कारीगर है बड़िया चक्कियां बना के बेचना है तू रोजाना दो तीरम मालिक नु दे सकना है। उन्हें हजरत उमरे फारूक ने आखिया कहन लगा मैं तेरा इंतजाम कर लेना तू मेरा इंसाफ नहीं किया। हजरत उमरे फारूक मुस्कुरा पे फरमान लगे मैनू ते गुलाम भी धमकियां ला लेंदे ने। नौजवान अगले दिन हजरत उमरे फारूक नमाज पढ़ने वास्ते आए आपने जेड़े वेले तकबीरे तहरीमा आखी ए अबू अल्लू फिरोज मजूसी ने खंजर नु जहर विच डुबो के हजरत उमरे फारूक दी नाफ दे नीचे मारिया। उन्हें छे वार किते हजरत उमरे फारूक नमाज पढ़दे जख्मी हो के डिग पे। सहाबा नु फरमांदे ने नमाज पढ़ी जाओ जेड़े वेले नमाज पढ़ के सहाबा ने अबू अल्लू नु पकड़े आओ उन्हें बड़े सहाबा नु शहीद किया बड़िया नु जख्मी कर दिता। उन्हें जद वेख्या मैं गिरफ्तार हो जाने अपने आप नु खंजर मार के उन्हें खुदकुशी कर लई। हजरत उमरे फारूक नु घर लैके आए पेट के अंदर बड़े 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 जख्म हो गए। नौजवानों जड़े वेले तबीब बुलाया गया उन्हें दुध पिलाया दुध आपके जख्मों के बाहर निकल गया। तबीब ने आख्या कोई इलाज नहीं मौत का वेला करीब आ गया है इंज करो जड़िया वसीयत करनिया कर लो। नौजवानों आखिरी वेला करीब आया अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास नु बुलाया अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर नु बुलाया उधरों अब्दुल्ला बिन अब्बास नु बुलाया फरमाया जल्दी जाओ जाके उम्मुल मोमिनीन आयशा नु अर्ज करे आज ओ जड़ी नबी दे गुंबद खिदरा दे नीचे एक कबर दी जगह बच गई है अम्मा जी जे इजाजत दे ओ उथे उमर दी कबर नबी दे पहलू च बन जाए। जेड़े वेले अब्दुल्ला बिन अब्बास आए वेख्या अम्मा आयशा बेड़े च बह के पईयां रोंदियां ने अर्ज कीती अम्मा जी उमरे फारूक फरमांदे ने मेरी आखरी तमन्ना है मैं अपने यार दे पहलू च दफने हो जावा। अम्मा आयशा ने फरमाया जगह ते मैं अपने वास्ते रखी सी पर मैं अपने ते उमर नु तरजीह देनी आ उमरे फारूक नु नबी दे गुंबद खिजरा दे साए दे नीचे दफन कीता जाए नबी दे पहलू च दफन कीता जाए। नौजवान जड़ वेले आखरी वेला आया आपने पूछया मैनु कतल किन्ने कीता है कोई ओ ते नहीं जिने नबी दा कलमा पढ़िया होवे। अर्ज कीती नहीं लजपाला एक अग दी पूजा करन वाले ने तुहानू शहीद कीता है। आपने फरमा लोगो फिर मैं कामयाब हो गया ओ सारी जिंदगी जड़िया दुआवां कीतियां या अल्लाह मौत भी शहादत दी देनी नबी दे मदीने दी मौत देनी अल्लाह ने ओ वादे भी पूरे कर ले दुआवां भी कबूल हो गईयां। नौजवानों जड़े वेले जनादा उठिया ने किताबां च पढ़िया मदीना तैयबा दे अंदर कयामत सुगरा दा मंजर है लोग इंज रोए ने जिवें अज कमली वाले दा विसाल होया जिवें नबी पाक दे विसाल ते दुनिया रोई उंज हजरत उमरे फारूक दे विसाल ते रोई। नौजवानों मैं किताबां च पढ़िया जिन्नात भी नबी हजरत उमरे फारूक दी शहादत ते रोंदे रहे। जिहड़े वेले जनादा लैके अम्मा आयशा दे हुजरे दे बाहर आए दोबारा इजाजत लई गई अम्मा आयशा ने इजाजत दी नबी पाक दे पहलू दे अंदर अबू बकर सिद्दीक दफने अबू बकर दे पहलू दे अंदर उमरे फारूक दफने मियां मुहम्मद बख्श दी रूह तड़प गई। आप फरमांदे ने वाह वाह पाक जिन्ना दे जिन्ना ए दिल पर कोल बसेरा जो दिया भी ओ जून इकर
बैठे ते मोया भी एक डेरा पाग तिना दे जिन्ना जवानों आप दे विसाल दे बाद हजरत अब्बास नबी पाक दे चाचा जी फरमांदे ने एक साल दे बाद मैं अल्लाह दी बारगाह च रोजाना अर्ज करदा सा या अल्लाह मैनू उमरे फारूक दी ज़ियारत करवा आप फरमांदे ने साल दे बाद मैनू ख्वाब च मिले ते मैं वेख्या मदीने दी मंडी वालों कंधे ते कपड़ा रखिया ते मदीने दी गली चा रहे ने मदीने दी मंडी वालों ख्वाब च वेख्या ते अपने मत्थे तो पसीना साफ करदे आ रहे हजरत अब्बास फरमाते ने मैं पूछा उम्र की बनी ते आप फरमाते ने साल गुजर गया फौत होया आज हिसाब किताब पूरा होया अल्लाह की बारगाह चो आज हिसाब पूरा करके आया ते आपने इरशाद फरमाया शुक्र है मेरा कि मेरा रब बड़ा करीम है ते जे मैं अपने अमला लड़ाऊंगा तो फिर मैं फस जाना सी शुक्र है कि रब करीम दे नाल मेरा वापया उस करीम ते रहीम ने मैनू माफ़ कर दिता। गिरामी कदर हजरात।